नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाने वाले बयान दूसरी बार देकर बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। इस पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब एनडीए के साथ ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का रिएक्शन भी सामने आया है। साथ ही मीडिया कर्मियों के सवाल पर वो नीतीश कुमार पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, ये हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। चिराग पासवान शनिवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने चिराग पासवान से पूछा कि जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त हो जाने का बयान दिया है। इस पर चिराग पासवान ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि नेताओं और पार्टियों को जनता बनाती है, जनता किस राजनीतिक दल को देखना चाहती है ये उन पर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति और आइडियोलॉजी है। नड्डा जी ने ये बात किस संदर्भ में कही ये तो वही बता सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बातों बातों में उन्होंने नीतीश कुमार पर उनकी पार्टी को खत्म होने करने की साजिश का ठीकरा भी फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि जैसे हो लोजपा को खत्म कर दिया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता ही किसी को बनाती है और जनता ही उसे समाप्त कर सकती है। चिराग पासवान ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर फिर से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाए, अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो इसका भी हाल शराबबंदी जैसा होगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में सही आंकड़े सामने आने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जातीय गणना में किसी विशेष जाति को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर अल्पसंख्यकों की बैठक किए जाने पर चिराग पासवान ने सीएम बिहार को जाति धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं, यही कारण है कि उनकी पार्टी आज तीसरे नंबर की है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सकेगा, जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। चिराग पासवान कल पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने जेपी नड्डा के बयान पर खुलकर बात की, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि जेपी नड्डा ने ये बयान क्या सोच कर दिया है ये तो वही बता सकते हैं, वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर होते हुए नजर आए और जातीय गणना की रिपोर्ट पर एक बार फिर से सवाल उठाए और नीतीश कुमार से ये मांग की कि इसको लेकर एक बार सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, वरना इसका हाल भी शराबबंदी जैसा ही होगा। और क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने ये हमने आपको बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।